नमो अहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वाज्ञानम नमो अध्यायम नमो तो ये सब सागुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुत्तम मंगलम वंदे संदस्थ सिद्धेष्टम संदस्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान भीगो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंदकुंदाचो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु सहस्रनाम नमः समय सारा स्वानुभूत्यर्चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। कैसा बंद नहीं होता, कितना बंद नहीं होता, एक गुण स्थान प्रमाण जानना चाहिए। सर्वथा बंद नहीं होना होता ऐसा नहीं लेना चाहिए। जितना अवृत्ति प्रमाण कथा योग है वो तो बंद है। सम्यक दर्शन होने पर एक तरह के शिलान्यास हुआ है। बन नहीं गया भवन, लेकिन फिर भी कितनी 41 प्रकृतियों का बंद नहीं होता, तीव्र बंद नहीं होता। जितना नहीं होता उसको मुख्य नहीं करना, जितना होता है उसके दूर करने का उद्यम करना। सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन का अभिमान नहीं है, चारित्र धारण करने की छटापटी है। कि सम्यक दर्शन का अभिमान हो गया, हम सम्यक दर्शन है और बंद नहीं होता हमें भी। उसे संयम लेने के लिए, संयम धारण करने के लिए छटापटी हो रही, छटपटा रहा वो। अपनी पर्याय में होने वाले रागादिक दोषों की निंदा ग्राह करे ही करे है, ये व्यवहार उपाय है। हमारा मतलब समझ गए? अगर तुम्हें निंदा गढ़ा नहीं होती तुम्हारे परिणामों में होने वाले दोषों की, तो सम्यक दर्शन का अहंकार छोड़ देना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की लालसा भी छोड़ देना चाहिए। है तो प्राप्त नहीं होगा, और प्राप्त हुआ है तो नष्ट हो जाएगा। अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, तो अपना कार्य बिगड़ने का खेद भी आना है। मैं एक मकान बिगड़ो, इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। अरे परिणामों का नुकसान नुकसान दिखता है तुम्हें? धन का नुकसान कितना खेद होता है, इतना नुकसान हो गया, ब्याज से नुकसान हो गया, या लापरवाही में काम बिगड़ गया, तो फिर सम्यक दर्शन होने पर परिणामों का नुकसान क्यों नहीं दिखता? परिणाम बिगड़ गए, यह ऐसी कुसंग का दंड है ये। अपने स्वरूप का स्पर्श करते हैं रागादिक भाव मिटाने के लिए, वो तो तुमने सुन लिया, लेकिन वितरागियों का दर्शन करते हैं, वितरागियों की संगति करते हैं, वितरागी जिन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, निंदा ग्रह करते हैं, दे नहीं सुना, ये छल क्यों ग्रहण करते हो? सहज रहो, सहज रहो, अरे सहज तो रहो, लेकिन लापरवाह मत रहो।
सहज में से प्रमाद नहीं पकड़ना। सदैव सावधान रहो। देखो भाई, धूप में बैठोगे तो धूप लगेगी, आधे घंटे अच्छी लगेगी, फिर आधे घंटे ऐसा लगेगा धूप लग रही है। होगा वो तो, करोगे क्या? छाया में बैठोगे तो वो सर्दी लगेगी तुम्हें, कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ ऐसे परिणाम हो गए, वहां वैसे परिणाम होंगे। तो कुसंग में कुसंग जैसे परिणाम होंगे, सत्संग में सत्संग जैसे परिणाम होंगे। बुद्धिपूर्वक कुसंग जैसे रुचता है वह मिथ्या दृष्टि है। नियम से कर्मोदय से कुसंग आ पड़ने पर जैसे सुहाता नहीं है, निकलने के लिए छटपटाता है, वह तो हो सकता है सम्यक दृष्टि। लेकिन जिसकी देने की नियत ही नहीं है वो ईमानदार कैसे होगा? संतोष होगा, ठीक है, ताकत है। तुम्हें कर्तव्य सूझता नहीं है कि कर्तव्य कुछ और है, बस इतना ही है। फिर कहते हैं, देखो भाई, गलत को सही मत मानते रहो, भ्रम मत पाले रहो अपने को। आचार्य कुंद कुंदी बंद अधिकार में क्या कह रहे हैं? लोके कर्म तोस्त सोस्त वा च परिस्पंदात्मकम कर्म चितः। कर्मों से भरा हुआ लोक है सो भरे रहो। माने कर्म तो कर्मा तो भरी है लोक में, वो तो होंगी। तुम सोचो लोक शून्य हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कर्मण वर्गण ही नहीं है तो बंद कैसे होगा? ये मत सोचो, कर्मण वर्गणाए हैं अनादि से, वो अनंत काल तक रहेंगे। तुम कर्मों का दोष मत देखो, ये कहने का मतलब। कर्म का उदय भी रहेगा, उदय में अपना उपयोग मत छोड़ो। ये नकारात्मक भाषा है, ज्ञानाभ्यास में जोड़ो, वहां नहीं छुड़ेगी। तुम तो अपने मंदिर चले आओ, घरे जो होता रहे होता रहेगा। अब वहीं खड़े और उपयोग नहीं जोड़ो, कठिन होता है थोड़ा, वहां से हट जाओ। दोष मत देखना, कर्मों से बहुत से कर्मों से भरा हुआ लोक है सो भरे रहो। मन लोक रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो कर्मण वर्ग में भरी रहेंगे, मन वचन काय का चलन स्वरूप कर्म योग है सो भी भले रहो। अकेला योगी या पचास रहो, सहयोग केवली अकेला योग है। अब देखो, योग को रोकने का कोशिश कर दे, विद्यास को रोकने के लिए प्रयत्न है, योग को रोक रहे, और उस पर भी इतना अहंकार है कि हम कोशिश बहुत कोशिश करते हैं,
अरे तुम मिथ्या कोशिश करते हो, तुम्हारी कोशिश भी मिथ्या है। झूठा उद्यम लोग करते हैं, हमें निश्चिंत घाटी, जिया जग धोखे की टाटी। यानी कैसे ये बात निकल पड़ती है, हम बहुत कोशिश करते हैं। तुम्हें बहुत दिखता है, स्वाध्याय का एक घंटा बहुत दिखेगा और 23 घंटा कुसंग का नहीं दिखेगा। अगर 10 मिनट भी ज्यादा हो गया तो ऐसा लगेगा बहुत हो गया। और कितने घंटे वहां रहे विकथा में, परमाज में, बहुत तुम्हें दिखाई कैसे देता है, बहुत हो गया। दिन रात आत्मा का चिंतन, उन्हें तो बहुत नहीं दिखाई देता। कैसे मन रहा है, दिन रात आत्मा का चिंतन 24 घंटे, और तुम्हें बहुत दिखाई दे रहा है। हमने सब छोड़ दिया, सब छोड़ने का अहंकार छोड़ो पहले। कहाँ छोड़ा है सब, इस भूमिका में सब छूटता ही नहीं है। और बाह्य परिग्रह को तुम कहते छोड़ दिया, तो बाह्य परिग्रह 3 इंचों के होता भी नहीं है। परिणाम छूटना चाहिए, द्वेष रूप उदासीनता नहीं, उदासीनता आना चाहिए, द्वेष के अभाव रूप उदासीन। कई चीज तो चर्चा है, देखो भाई तीव्र द्वेष है वह तो पात्र नहीं है। तीव्र राग, राग आदि की बनता हो, उपदेश आदि का निमित्त बने, तब ये जीव उपकारी बनता है। द्वेष रूप उदासीन था, द्वेष का पहले भाव गया, पीछे क्यों चले गए। राग छूटे ये तो अच्छा हुआ, लेकिन द्वेष हो गया है कैसे। पहले उसके गुण और उपकार वाला सुख बुद्धि करके ये राग करता था, अब उसमें द्वेष करता है, ये दुख के कारण है, ये बोझा है, ये झंझट है, कुछ नहीं है, ये सब पर है। निज को निज, पर को पर जान, पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मत करो। जिन झटों से बच, अब तुम यहां बीमार हो जाओ तो क्या करेंगे, हो सकती क्या बात है। शांति है तो पाप का उदय महल में भी आ सकता है, कि जंगल में नहीं। अपने का उदय जंगल में भी हो सकता है। अनंतमति पर उपसर्ग आए तो चंदन बार, क्या नाम, अंजना पर भी आए, सीता पर भी आए। एक विपरीत कल्पना कहां से कर ली कि निवृत्ति के मार्ग में उपसर्ग होते, प्रवृत्ति के मार्ग गुलगुला है। सुखाओ अपने आराम से, वहाँ कोई झंझट नहीं है, वहाँ स्वाधीनता है, यहाँ पराधीनता है। कर की बात ध्यान रखना, दोपहर की गुरुओं का अनुशासन और स्वतंत्रता एक साथ भक्ति।
अब स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता पालो तो हम कुछ नहीं कह सकते। कोई हमें चौंके नहीं, अरे हमारे चौंकने वाला हमारे ऊपर बना रहे, ये सोचो। हाँ, अपने दोस्त अपने आप दिखाई नहीं दे पाते तो चौंकने वाला बता तो रहा है। कोई हमें टोंके नहीं, कोई हमसे कुछ कहे नहीं, कहे भैया हम चाहे जो करें, ये मन का खोटी है, हम योग करें चाहे जो नहीं। हमारे विचार योग्य हो, हमारे भाव भी भीतर के भाव जो ऊपर नहीं दिखाई दे रहे योग्य रहे, जिन मणि के विरुद्ध हम सोचे भी नहीं पाए कभी। लेकिन ऐसे सोच लिया, कल्पना कर ली, हमसे कोई कछु को बनी, और वो भी तकलीफ है। अब कोई बोलते ही नहीं, अब कोई बोलते ही नहीं। एक दादाजी थे, सर्दी का टाइम था तो बहू बोली, दादाजी पानी गर्म हो गो नहा ले। अब ऐसे अब क्या कर दिए, नहा लेंगे। ठीक है भाई। अब दूसरे दिन उसने कहा, आज कोई पूछता ही नहीं, आज कोई पूछता ही नहीं। भाई तुम किसी की नहीं मानोगे तो तुमसे कौन कहेगा, मानना सीखो। नहीं मानेगा तो कौन कहेगा तुमसे, नहीं लोगे तो तुम्हें कल कौन देगा। इसलिए आपसे बेर बेर कहती, देखो साधर्मियों का बाथल ठुकराना भी मत सीखो, लालची भी मत बनो, माने आशा भी मत करो किसी से, और ठुकराना भी मत सीखो। लेने में दीनता और देने में अभिमान नहीं है, ये तो दोनों क्रियाएं हैं भाई। अपने गौरव को मत भूलो, अपने लक्ष्य को मत भूलो, अपने कार्य को मत भूलो तो है। लाज रोटी हम बना ले, हाउ बना ले, उतना टाइम अपना स्वाध्याय में लगा। अब उतना टाइम तो स्वाध्याय में नहीं लगा तो हम गलती है। जो एक आसन करते हैं और एक समय भोजन का जो समय है वो स्वाध्याय में पाठ में नहीं लगाते हैं, फूल में आरोटी खाने तो इकट्ठा करने। रोटी नहीं खानी है ये तो ठीक है, आज का चुलेने नहीं, आज का चुलेने नहीं तो बैठे ही बातें कर रहे। अरे कछु नहीं लेने जे नास्ती क्यों करते हो, अस्ती करो। आज भगवान का नाम लेना है, आतत्वों का चिंतन करना है, भीतर से भेद ज्ञान करो, भीतर से भेद ज्ञान, वेद ज्ञान की केवल चर्चा नहीं, भीतर से वेद ज्ञान का। यहां बैठे हो ये लगे ये चटाई भिन्न है, हम भिन्न है, कम से कम बुद्धिपूर्वक विचार तो करना सीखो। कम से बुद्धिपूर्वक विचार करोगे धीरे धीरे अभ्यास होगा, भाषित भी होगा। अब विचार ही नहीं है तो भाषित का है। लौकिक में एक कहावत है, अब कुछ विचार नहीं है, अब क्या बात का, विचार ही नहीं है। अभी विचार तो है,
ये मैं सोचो अभी कुछ विचार नहीं, अब विचार नहीं करोगे सम्यक तो कब विचार करोगे, देखी जाएगी। अरे देखोगे क्या, जब तुम बोने के समय सावधान नहीं हुए तो काटने के समय वो ही काटना, घास फूस काटो, देखी आई का देखी आई। अब देखो पाषाण में मूर्ति जो देखता है वही मूर्ति बना सकता है, कपड़े में जो कमीज देखता है वही कमीज बना सकता है। तुम्हें कमीज पहननी है कि बनानी है? पहननी नहीं है, केवल बनानी है। पहले आत्मा को कर्मों से रहित देख सकता है, वह कर्मों से रहित हो सकता है। अब कर्मों से रहित नहीं देखोगे तो कर्मों से रहित होगे कैसे, ये बता। स्वभाव में कुछ करने का अवकाश नहीं है, ठीक है? क्यों? देखो जिसको हम अभाव करना चाहते हैं उसका उसमें पहले से ही अभाव, और जिसमें को प्रकट करना चाहते हो उसमें पहले ही से ही प्रकट है। अब बताओ क्या करोगे? इसलिए स्वभाव के आश्रय से करने का विकल्प मिट जाता है और होने योग्य कार्य हो ही जाता है। तो सच्ची अपना काम करेगी, सम्यक दर्शन कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो, चिंता पड़ी है। और स्वभाव के लक्ष्य सम्यक दर्शन कैसे हो ये विकल्प तो मिट जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाता है। एक बात कही थी, जो स्वभाव के सन्मुख होता है सम्यक तो उसके सन्मुख है, जो स्वभाव के सन्मुख है सम्यक तो उसके सन्मुख है, ज्ञान उसके सन्मुख है, संयम उसके सन्मुख है, अरे अधिक तो मोक्ष उसके सन्मुख है, सेवतीय सन्मुख आई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, भ्रम से रहित मत मानो रागादि गए तुम, अरे भ्रम से मत मानो रागादि रहित हो तो तुम, लेकिन स्वभाव के समीप जाकर के देखो। और फिर उसका एक चिन्ह बताया आपको, रागादिक से रहित मानना सच्चा है कि झूठा है, कि देखो परिणति में रागादिक मिटने लगे तो सच्चा है और नहीं तो झूठा है। उस दिशा में बढ़ने लगो, रागादिक मिटने का मतलब है द्वेष तो पहले ही मिट गया। पंडित जी लिखा ना, ऐसी उदासीनता द्वेष रूप है। अब हमारी उदासीनता द्वेष रूप है कि उदासीनता सच्ची है? सच्ची का मतलब राग के अभाव रूप है। राग आदि भावों के अभाव रूप उदासीनता है कि द्वेष रूप उदासीनता है? और देखो निचली भूमिका में स्वभाव के लक्ष्य के बिना राग छोड़ने जाओगे तो द्वेष हो जाएगा, और द्वेष छोड़ने जाओगे तो राग हो जाएगा। अभी तुमसे प्रेम नहीं करोगे तो द्वेष आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, पता नहीं पड़ेगा, तुम जानते नहीं उसको। नहीं चाहना ये तो द्वेष है, दिखाए पाएगा द्वेष, इसी का नाम द्वेष है। तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि द्वेष कब हो गया, लेकिन जिस समय रागादिक छोड़ने जाओगे तो द्वेष आए बिना रहेगा नहीं। अगर सम्यक विधि नहीं होगी तो, अरे भाई यहाँ इष्ट की कल्पना का ही अवकाश नहीं हुआ, अनिष्ट की कल्पना कहाँ कर रहे तुम?
ठीक है, कछु ठीक नहीं है, प्रमाद है। ठीक है, जो है सो ठीक है, मजबूरी में स्वीकार कर रहे हो। टोटर मजी ने एक वाक्य लिखा, मूड होकर भविष्य भी मानता है। मूड होकर के भविष्य मान रहे, जो होने सो हो जाए। अरे आगम लिखा है, क्या होना है क्या हो जाएगा, कौन सी भाव से क्या होता है। एक बहुवारम परिग्रही व्यक्ति को, परिग्रह में आसक्त व्यक्ति को परिग्रह छोड़ने का उपदेश है में, तो वो कहे अच्छो होने सो जाओ। होने का है, अगर तुम परिग्रह में मर जाओगे आसक्ति में तो जाओगे, खोटी गति में जाओगे। इस परिग्रह के लिए इसे मायाचारी करोगे तो तुम तेरी गति में जाओगे, जो होना क्या है तुम्हारी तेरी गति होनी, जो नहीं होना है। इस भाव से ज्ञान का आघात होता है, इस भाव से ज्ञान का विकास होता है, लिखा है। और उस भाव से ज्ञान का घात ही होगा। अब घातक भाव करोगे और उससे विकास हो जाए, कैसे हो जाएगा। बिना बहना ज्ञान नहीं होगा, अब तुम्हें क्या होगा, तो क्या होगा बोलो। नहीं वो सही बात तो है, लेकिन क्या होगा, ज्ञान का भी अभिमान होगा, ज्ञान का भी अभिमान होगा। अगर तुम्हारा बुद्धि झरूसम है, कुछ पहले कुछ करके आयो, ज्ञान की अनुबोधना भी तुमने करी है, ज्ञान का साधन दिया है, ज्ञान अभ्यास में आलस नहीं किया है, तो तुम्हारा ज्ञान का झरूसम बढ़ जाएगा, लेकिन मज हो जाएगा। और क्या मज भी नहीं है और बिना भी नहीं कि ना, ये तो हो नहीं सकता, असंभव। सरलता भी नहीं है, कुटिलता भी नहीं, या तो सरलता होगी या कुटिलता होगी, दो में से एक तो हो। द्रव्य बिना परिणमन के नहीं रहेगा, जिसके परिणाम में सरलता नहीं है कुटिलता हो, क्षमा नहीं है तो क्रोध तो होगा ही। नहीं है तो क्रोध होगा नियम से, तुम्हें नहीं मालूम पर नहीं मालूम। भाई भूख नहीं लग रही तुम्हें तो बुखार है, अब वो इतना मंद है कि तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। बैठ जी बोली बुखार है, ये तो बुखार है, हम बुखार तो नहीं है, तो क्यों भाई भूख क्यों नहीं लगती। भूख नहीं लगती और बुखार नहीं है, ये कैसे हो सकता है। भीतर भीतर बुखार रहता है तुम्हें, तुम्हें मालूम नहीं पड़ता है। एक रोटी आधी रोटी खा ले, फिर क्यों नहीं चार रोटी खा दे, क्यों नहीं स्वादी अच्छी क्यों नहीं लगती रोटी। टाइम होगा सो रोटी खा ली, अपने खा लेते कोई बात रही। लक्षणों से लक्ष्य को पहचानो, जैन शासन में लक्षण की चिंता वो चर्चा क्यों की है, लक्ष्य को पहचानने के लिए, हमारा लक्ष्य क्या है। बाकी तुम्हें लक्षण है कि नहीं, अगर सम्यक दर्शन करना है तो सम्यक संयोग के लक्षण होना चाहिए। अब सम्यक के संयोग के लक्षण नहीं है तो सम्यक कहां से आ जाए, एकदम आ जाएगा। ध्यान रखना, सर्वथा कथन नहीं कर रहे हम, किसी को गड़ा धन मिल जाए तो घर खोदना धन प्राप्ति के उपाय नहीं कहा जा सकता। उपाय तो नहीं है, धन प्राप्ति का उपाय क्या है, क्यों
धन की चाह मिटना, धन की आसक्ता छूटना, चाहे से भागे वो चाहे से त्यागे से आगे और चाहे से भागे। पाप बन धन की चाह पाप है कि नहीं? अरे धन के लिए धर्म अनंत बार छोड़ा, अब धर्म के लिए धन छोड़ दो। शरीर की ममता में धर्म अनंत बार छोड़ा, अब शरीर की ममता छोड़ो, धर्म धारण करना। तो समाधिमय जीवन, समाधिमय जीवन चर्चा करी, को सोचा कि हमारा जीवन समाधिमय कैसे हो? जीवन का मोह छूटने पर जीवन की समाधि मय हो सकती है, और जीवन का मोह जब तक रहेगा तब तक समाधिमय जीवन तो नहीं। धन की चाह मिटना चाहिए तो धन मिलेगा अपने, धन से चारों कोने भरे। क्या धनी कुमार उस समय बच्चा था, नाल खोदने के लिए गड्ढा खोदा गया नाल गाड़ने के लिए, तो धन निकल पड़ा? मैंने सोची थी, चाह था, और जमीन का धन राजा का है, तो राजा के पास पहुंचे भी था। राजा ने कहा, भैया जिस पुत्र के लिए निकला है वो उसी का है, जाओ उसी को दिया उन्हें। नहीं चाहने पर अपने आप मिटे प्रकट होंगे, और चाहने चाहने से नहीं होंगे। वैसे चिंतन बहुत कमजोर है, चिंतन नहीं करते, पढ़ते रहते खाली। हमने कहा जीवन समाधिमय होना चाहिए समाधिमय के लिए, तो आप सोचो तो सही, चर्चा तो करो हमारा जीवन समाधिमय कैसे हो। इनके जीवन की बात है या अपने जीवन की बात है? जीवन समाधि में हमारे जीवन में क्या क्या उपाधियां हैं, कैसे दूर हों, किनका हम बुद्धिपूर्वक त्याग कर सकते हैं, कैसे हम ज्ञान के अभ्यास में लग सकते हैं, क्या करें? जहां चाह है वहां राह है, चाह स्वयं राह नहीं है, समझ गए? चाह स्वयं राह नहीं, हम तो बहुत चाहते, चाह स्वयं राह नहीं है। जहां चाह है वहां राह मिल सकती है। धन की चाह से धन नहीं मिलेगा, भोगों की चाह से भोग नहीं मिलेंगे। भोगों की चाह से तुम्हारा परिणाम कलुष है, पाप बंध का कारण है, फिर कम है, भोग थोड़ी मिलेंगे, रोग मिलेंगे। अंगुल अंगुल में छियानवे छियानवे रोग। ये रोग भोगों की आसक्ति का, चाह का, प्रमाद का, इसका फल आता है। हम चाहते हमें बंद नहीं हो, तो भाई कर्म फल में मत जुड़ो। पुराना जो कर्म का उदय आया है उसमें जुड़ान मत करो, तो कर्म का बंध नहीं होगा। अब जुड़ान करोगे तो बंध होगा। इस चनिश की कल्पना मत करो, अपना तो मत करो, उसको बंध नहीं होगा। लेकिन कर्म के फल में पुराने में जुड़ोगे तो नया बंध तो होगा। अब हम चाहते हैं इनमें हमारी परिणति न जुड़े कर्म में, तो पहले से ही जोड़ दो, अब वहां नहीं जुड़े। स्वभाव में जुड़ेगी, ज्ञानाभ्यास में जुड़ेगी, तो उसमें नहीं जुड़ेगी भी खत्म।
अब हम चाहते तो हैं। पद्म पुराण में लिखा परकटे पक्षी की बात है, पर कटा हुआ पक्षी जिसके पर काट दिए गए हैं या पर नहीं आए हैं तो वो उड़ना तो चाहता है लेकिन उड़ नहीं पाता। उड़ेगा कैसे, पर तो कटे। पॉजिटिव सोच तक जब तक नहीं पहुंचो तब तक नेगेटिव सोच से काम नहीं चलेगा। इनमें हमारा उपयोग न जोड़े, इनमें हमारी परिणति न जाए। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। हैं? आप सोचो कैसे नहीं जाए। आत्म के हित हित विराग ज्ञान उसमें परिणति जोड़ो, विषय कसाय में नहीं जाए। अरे यहाँ स्वाध्याय हम कर रहे हैं तो कौन भूख लग रही है, कौन प्यास लग रही है, कौन विकसा कर रहे हैं, अपने आप छूट गए। अब हम स्वाध्याय नहीं करें तो भूख लगे और घर बैठे कुड़कुड़ाएंगे अभी तक इतनी देर हो गई। पूजा चल गया 10 बजे लो तो भूंग नहीं है, पूजा से उठे तो कलेश गन लगी, फिर भूंग लगी बड़ी जोर से। मतलब क्यों लगी पता, इसका मतलब है ये पूजा तुम्हारी भूख को रोकने वाली है, कथा को रोकने वाली है। भाई उपयोग दो हैं, एक जब वहां यह उपयोग रहा तो वहां कैसे लगेगा। अपने चिंतन धारा बदल लो, दुश्चिंतन कभी मत करो। अरे दुश्चिंतन करने लायक तो है ही नहीं, दुश्चिंतन आ जाए तो प्रायश्चित जरूर करो। हम तो अकेले कर लिए, नहीं कर पाओगे। एकल बिहारी हमारा शत्रु भी न हो, साधक कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे, एकल बिहारी हमारा शत्रु भी नहीं हो। अकेले देखो, अकेले रहो मसी, नहीं तो धीरे धीरे प्रमादी जीवन हो जाएगा। काहू को डर नहीं, किसी का डर नहीं तो सावधानी फिर कैसे हो। अरे भाई कर्मों का डर नहीं है लेकिन डर नहीं है, अपने परिणाम बिगड़ने का डर है, बहुत भय। और बोलो चोट रमल जी के, बोलो जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय है। कोई हमारा परिणाम, कोई हमारा वचन, कोई हमारी चेष्टा जिन आज्ञा के विरुद्ध न हो पाए। अब नहीं भय रखोगे तो हम क्या करेंगे। आपको एक बात कही थी, देखो सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, लेकिन एक बात और समझ लेना, सर्वथा नहीं है ये, अनंतानुबंधी भय नहीं होता, सच्चा भय सम्यक दृष्टि को ही होता है। और जैसा भय सम्यक दृष्टि को होता है वैसा भय मिथ्या दृष्टि को होता भी। हर समय परिणाम बिगड़ने का भय है उसे, जिनाज्ञा भंग होने का भय, और बस अपनी टोंके, गुरु की टोंके और अपनी सावधानी, फिर कौन बिगाड़ेगा परिणाम। अब कोई टोकने वाला भी नहीं और अपन भी सावधान नहीं, खानो पीनो पढ़नो लिखनो, खानो पीनो पढ़नो लिखनो, बस तो परिणाम तो बिगड़ेंगे, हम क्या करेंगे। ब्रह्मत पाल लेना, हमारे परिणाम बहुत अच्छे हैं, परिणाम बहुत अच्छे हैं तो विनय कहाँ है, क्रोध क्षमा कहाँ है, सरलता कहाँ है, संतोष कहाँ है। मुनराज ने यही तो कहा था कि सिकंदर हमारे गुलामों का गुलाम है। महाराज समझ में नहीं आई कि समझ में आएगी भी नहीं तुम्हारी,
नशा में हो, नशा में क्या समझ में आएगी तुम्हारी? नशा में तो सच्ची बात समझ में नहीं आती, और नशा शराब का ही नहीं होता, वो मां मत पियो अनाथ, भूले आपको भर मत बा। पैसे का भी नशा है, भोगों का भी एक नशा है, सुन भी तैयार नहीं है। पुरानी कहावत है गांव की, सौ सौ जूता खाए तमाम तो घुस गई देखे वहां। मैंने ऐसा लगता है कहा है कहा है कहा है, जब देखी आई इतने पिटोगे देखी कहा जाएगी। तो अरे भाई देखी जाएगी नहीं, देखी जा रही है, और उन्होंने देख करके ही सारी बात लिखी है। बोलो देखी जा रही कि नहीं? तुम ये सोच रहे हो भीतर की हमारी कोई नहीं जान रहा, ऐसा नहीं, अनंत केवली भगवान जान रहे हो, तुम स्वयं जान रहे हो। अब अपना हित पर दृष्टि हो, और अपने अगर भगवान की विनय हो तो ये मत सोचना कोई नहीं देख रहा। शब्द बदल गए, पहले भी कहा था, अगर तुम ये देख रहे हो सोच रहे हो कोई नहीं देखता, तो ये समझना नास्तिक, उससे बड़ा कोई नहीं, आत्मा परमात्मा की सत्ता को नहीं मानता। ऐसा हो गया बस, क्या करने देखी आए। अरे जब नरक जाएंगे तब देख, बहुत से लोग तो ऐसी कह देते, जब नरक जाएंगे तब देखी आए, कौन रोक देगा तुम्हें? परिणामों की संभाल नहीं है तो नरक जाने से कौन रोकेगा, तीन जाने से कौन रोकेगा? देखी जाएगी। ये एक बहुत शब्द चल गया, इतना शब्द खराब करने वाला है जीवन को, देखी आएगी, देखी कहा जाएगी? जब तुम विपरीत गाड़ी में बैठे हो तो गंतव्य से दूर तो हो गई, कुमरण होगा तो कुगति तो होगी, और कुगति होने वाली है तो कुमरण भी होगा। अब इसमें ऐसा लगता है हम बड़ा दीन है, हम क्या करें? अरे भाई तुम्हारा सुगति होनी होगी तो तुम्हारा सुमरण हो जाएगा, अब सुमरण करोगे तो सुगति हो जाएगी। जिससे तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़े, सही दिशा में चले, ऐसे विचार करो, मूड़ होकर के भवितव्य मत मानो, जो होने वैसे हो जाओ, जब होने वैसे हो जाओ, ऐसा नहीं। अरे सोचो अधूरा काम कितना खतरनाक होता है, आपको कहा था अधूरा ज्ञान भी खतरनाक होता है। एक तरफ की गाड़ियां फिक्स कर दिया इस टाइम इस टाइम इस टाइम इस टाइम है, और दूसरी तरफ की गाड़ियां फिक्स नहीं करें तो कितने एक्सीडेंट होंगे। हमने एक बात तो अपने होनहार मान ली, एक बात में कर्तृत्व उड़ा लगा दिया। उस दिन चर्चा चली के पर्याय के भी हम व्यवस्थापक नहीं है, बिल्कुल ठीक, और घर के व्यवस्थापक हैं, घर की व्यवस्था हम ही चला रहे। जी कैसे हो सकता है दो काम? ये पर्याय के भी व्यवस्थापक नहीं हो तो तुम माने इसका मतलब क्या हुआ? तुम व्यवस्थापक नहीं हो, तुम्हारे विकल्प झूठे हैं। व्यवस्था के जितने विकल्प हैं झूठे हैं, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात, बस खुश हो गए। अरे ऊंचे तो उठे नहीं, गिर गए नीचे। तुम पर्याय की से तो विमुख होकर के स्वभाव क्या नाम असमान जाति पर्याय में चले गए, अंदाज एक भी पार कर
और एक तुम्हारा पैसा तुम्हें पड़ते भी नहीं दिखाई दे रहा, भैया तुम्हें पड़ते भी नहीं दिखाई दे रहा, पिताजी तुम्हें पड़ते भी दिखाई नहीं। बे हमारे पिताजी हमारे भैया हमारे काम हमारा नुकसान और अरुंधाजी को पड़ते भी कह रहे। भाई झूठा नहीं है, बात सच्ची है, लेकिन ध्यान रखना दो झूठी है। डॉक्टर की करी हो तो देख लेना, बड़े बड़े डॉक्टरों को ऊंचा इंजेक्शन लगाने के पहले वो रिएक्शन का इंजेक्शन रख रहे थे पहले, जहां और वहीं बैठा रहे थे रुक जा, और जहां खुजली शुरू हुई उन्हें लगा जल्दी। शुरू नहीं होने दे रहे और टेस्ट करके लगाते, परमात्म प्रकाश टीका में कई जगह परिग्रह त्याग का उपदेश आया, और फिर क्या लिखा ब्रह्मदेव सूर्य ने, ऐसा उपदेश मुनराजों को सोचता है, निर्गंतों को सोचता है। वैसे अगर शील का उपदेश दे तो क्या कैसा लगेगा, तुम चिंता शांति रखो और शांति का उपदेश दो तो कैसे होगा। अरे भाई शांति का उपदेश शांति में ही करोगे, संबोधन समतामय हो का कही? अगर कुछ विकल्प यदि कुछ भी विकल्प आ जाए तो संबोधन करने का भाव भी हो तो समतामय संबोधन होना चाहिए। डांट तो वे भी सकते थे वार्तन सुन स्वामी पुष्पलाल को डांट सकते थे, लेकिन नहीं गए और जाए और वहां पहुंचे दो सिंहासन का एक सोने का एक कार का वो कार के सिंहासन पर बैठ गए पटे पर, और उसमें सोने पर जम ही गया उन्हें कछु नहीं तो रानियां बुलाओ अपनी, रानियां आ गई भैया तुम्हें चाहो तो यहीं रुक जाओ, अगर तुम चाहो तो यहीं रुक जाओ। और नहीं तो फिर वो सोचो, अब सोचने लगा पुष्पराज जब इन नानियों में शुक्र की मान्यता छोड़ करके गए हैं हैं, तो फिर हम कहां पड़े, हम ऐसे धिक्कार है। वो स्त्री को याद कर रहे, स्त्री को याद कर रहे, स्त्री को याद कर रहे, स्त्री याद। योगेंद्र देव कहते जिस पर जिसके हृदय में बसे नारी परमात्मा कैसे बसे, एक मैन में कहीं दो तलवार घुसती है, मेरे वचनों से क्या लाभ होगा। ओहो क्या मतलब हुआ इसका, अगर कामनी की शरीर विभूति का स्मरण करता है तो मेरे वचनों से क्या लाभ होगा, बोलो अर्थ का है। अगर तुम्हें इस प्रवचन का लाभ उठाना है, हे भाई कामनी की वासना छोड़ दे, कैसे छूटे हाँ हम बताएं। उसके मुख्याधिकारी खड़े यथानुभूत मार्ग के पिंडा खड़े हैं अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे, हम बता रहे छूटे हो ऐसे ही चारों ओर से द्रव्यानुसार चरणम चरणानुसार द्रव्यम, कैसे छूटे कि सत्संग मरो फिर हो जाएगा तो बता। अब फिर हो गया महाराज आप तो कह रहे सत्संग में रहो, अरे ज्ञानाभ्यास तो करो कोरे सत्संग, संग रहना अलग है संगति में रहना अलग है, और ज्ञानाभ्यास के नाम पर तुम क्या कर रहे, शास्त्र पढ़ रहे हो और वो ही चल रही, कैसे मिले कैसे मिले कैसे, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हो सकती है ये सुभग नाम कर्म प्रकृति का उदय है, लेकिन सबसे सुंदर तो अपना शुद्ध आत्मा, वो क्यों नहीं देखे।
तुमने उसे शुद्धात्मा को देखा नहीं है, इसलिए वो सुंदर दिखाई दे रही है। हमारे परिणाम खराब हो गए। तुमने अविकारी तत्व को नहीं देखा, इसलिए तुम्हारे परिणाम खराब हो गए। ये परमार्थ कथन है। और तुमने जहां रहे वहां की मर्यादा भी नहीं पाली, तुम्हें किसी का भय भी नहीं है, उदंड हो तुम। लोग राज काज बांधो पापन को ढेर है। अगर तुम विनयवान होते तो ये दोष नहीं आता। तुम स्वच्छंद बनना चाहते, सामने कुछ पीछे कुछ। देखो जिसको मायाचारी आएगी उसको अब ब्रह्म ही होगा, उसको लोभ भी आएगा। हम वैसे नहीं, भीतर भीतर की बात छिपा क्यों रहे हो? तुम्हारा मन चल रहा है खाओ, लेकिन उसके खाने की भी विधि है। क्या कहा? लकड़ी के लड्डू खा, क्या हो? क्या हो बता? दांत टूटेंगे और कुछ नहीं होगा, स्वाद तो कुछ नहीं आएगा। एक बात कही थी पहले ध्यान हो तो, देखो भाई अमृत का स्वाद पुस्तक में पढ़ करके नहीं रह जाना चाहिए। प्रत्यक्ष आस्वाद नहीं करोगे तो कैसे अमर होगे? जहर का स्वाद प्रत्यक्ष मध्य के चक्कर में रहो, मर जाओगे फिर तुम फिर क्या कह पाओगे? जहर का स्वाद पुस्तक में लिखा हुआ है वही मान लेना है। अनंत ज्ञानियों ने इसको परीक्षा करके कहा है, प्रत्यक्ष देख करके कहा है। लोगों को आश्चर्य होता है, तुम्हें कैसा मालूम? तुमने ग्रस्थी बसाई नहीं, तुम्हें व्यापारतन गई नहीं, तुम्हें कैसे मालूम? अरे भगवान से पूछो कैसे मालूम। गेहों के रथ से गेह का भी ज्ञान नहीं होता, और गायक की रथ से गेहों गायक का भी ज्ञान होता है। और क्यों? स्वच्छ शक्ति है, तुम्हें कैसे मालूम? स्वच्छ शक्ति में बताओ क्या करो। और ज्ञान शक्ति का आविर्भाव होगा, प्रकट होगी, व्यक्त होगी, तो स्वच्छ शक्ति साथ में व्यक्त नहीं होगी। हम आपसे इतना छल करते हैं लोग पता नहीं है। आचार्य को जब शीतकाल भाव कर गया तो होना चाहिए, इसलिए हम अखबार पढ़ लेते, इसलिए हम टीवी देख ले, इसलिए हम भला न कर ले। हमसे पूछते हैं आचार्य जंगल में रहते थे, कौन से अखबार देखते, कौन सी टीवी देखते, उन्हें सबका ज्ञान था कि नहीं? अरे ज्ञान माने क्या होता है? संसार में सुख नहीं, हो गया ज्ञान। चारों गतियों में सुख नहीं, चारों गतियों ज्ञान हो गया। तीन लोग में सुख नहीं, तीन लोग का ज्ञान हो गया। अरे तुम क्या करोगे ज्ञान के नाम पे? भाई सो लोग माए बिन समता, बिना देखे कही है बताओ? देख के बोला। अरे प्रत्यक्ष दिख रहा है उन्हें, अनुमान होना चाहिए, वो देखेंगे। ये बातें नहीं है, बिल्कुल प्रमाणिक बातें। ये तो शंका उत्पन्न हो गई, ये जैन शयन को का मालूम है, ये का लिख रहे हैं, श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। अरे भाई सहज सो श्रृंगार, श्रृंगार सो विकार। हाँ। मालूम कैसे मालूम? जी मत देखो, ये देखो उन्हें सब मालूम है, हम छिपाने की कोशिश मत करें।
रुकता न सम्य ज्ञान पर से ज्ञान यो यो ध्यान से। सम्य ज्ञान पर से होता भी नहीं है और पर से रुकता भी नहीं है। हो तो रुके, अब जब है होता ही नहीं है तो रुकेगा कैसे? रुकता न सम्य ज्ञान पर से ज्ञान यो यो ज्ञान। कैसे मालूम जी? आश्चर्य मत करो, केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है। तो केवल ज्ञान से पहले मन परे ज्ञान हो तुम्हारे मन की बात झलके, अवध ज्ञान होगा उससे तुम्हारे रूपी पदार्थ झलके। अब तुमको कैसे मारा, तुम्हें कैसे मारा? मुनराज को कैसे मालूम था? ये सूर्य मित्र तुम्हारी अंगूठी तो तर्पण करते समय गिर गई, इसको मिल जाएगी कल। कैसे मालूम? उसका उत्तर ये है कि आत्मा को जानता है वो सबको जानता है, सबको जानता ही है, जानता ही है, बस मिथ्या नहीं जानता, सम्यक जानता है। पर को पर जानता है, गेन और उपाधि नहीं जानता। कई बार भोजन बनते जरा देखना कैसा बना, क्या अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा तुमने सही किया यार। क्यों? अगर तुम्हें ज्ञान हुआ होता तो अच्छे की कल्पना नहीं होती। अगर ज्ञान होता तो अच्छे की कल्पना नहीं होती। कैसे हुआ? कछु नहीं कही। काई? कैसा है? अच्छा है। झूठ बोलते हो? क्यों? कि भैया अगर तुम्हें अच्छा लगता जो कहती वो लाने, तुमने जी कहां कहा और रहा, इसका मतलब है तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वैराग्य तुम्हें अच्छा लगता है तो वृद्धि की भावना होना चाहिए, राग बुरा लगता है तो राग की क्षीणता की भावना होना। कथा बुरी लगत, बहुत बुरी लगत, तो कथा की चिंता की भावना कहाँ आ रही? और कथा की चिंता उसको होती है जिसको ज्ञान की पुष्टता होती है। ज्ञान पुष्ट होगा तो कथाएं क्षीण होंगी। शास्त्र में लिखा है ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता है। हम कहाँ खड़े हैं ये इसका महत्व तो नहीं है, हमारी दृष्टि कहाँ है ये सोचो, हमारा उपयोग कहाँ है। खड़े तो हम पूजा में हैं, खड़े तो हम बैठे तो हम स्वाध्याय में हैं, हमारा उपयोग कहाँ है? अगर उपयोग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्यों हम उपयोग ही हैं और तो हम नहीं ये सब बात। अरे कान से सुनाई नहीं देता, उपयोग से सुनाई देता है, तब कान से सुनाई देता है, ये कथन का व्यवहार का कथन है। उपयोग तुम्हारा यहां नहीं होगा तो कुछ नहीं सुनाई देगा, और मोह तीव्र होगा तो उल्टा सुनाई देगा, उल्टी पुष्टि करोगे। खाली छोड़ मत दिया करो, उसको पूरा किया करो। हमारा जीवन समाधि में हो, बस खत्म, मामले सुन लिया हमने और दो टाइम सुन लो तो सोच लिया हमने बहुत कुछ कर लो। अरे एक बात बताओ भाई, एक मवेशी है, पशु है, वो भी सानी खाता है तो उसकी जुगाली करता है, तुम उसका चिंतन नहीं करती हो तो इसका मतलब पशु से भी गए भी। आध घंटे का भोजन पचाने में 6 घंटे चाहिए, तो आध घंटे का स्वाध्याय 6 घंटा नहीं चाहिए। अब क्या करें, अब क्या करें, खाली हो गए, आज प्रवचन नहीं हो रहा, आज प्रवचन नहीं हो रहा। अरे कल के प्रवचन को आज दोहरा हो ना, उस सिंह को याद करो जिसने एक प्रवचन सुना था
और सम्यक दर्शन कर लिया था। सारे जीवन उसको न मंदिर मिला, न साधर्म मिले, न प्रवचन मिला, कुछ नहीं मिला, और श्रावक धर्म का पालन करता। इसका मतलब क्या हुआ? श्रावक धर्म के पालन करने के लिए इन सब की जरूरत नहीं है, एकाग्र उपयोग की जरूरत है, विशुद्ध उपयोग की जरूरत है। सीखना नहीं चाहते उधर तो मैं कैसे मानू? जिस कहो अरे स्वच्छत शक्ति है कि नहीं मालूम, तुम्हें भी मालूम पड़ेगा। स्वभाव का लक्ष्य है तो स्वभाव के साथ में अभी इतना राग बाकी है, ये भी ज्ञान होता है उसको, फिर कैसे मालूम होता है? कैसे मालूम है? अरे कैसे क्या होता है, उसकी प्रक्रिया है। और सहज मालूम होता है क्या? कृत्रिम रूप से बनावटीपन से। पर को जाने के लिए पर सन्मुख देखना पड़ेगा, अपने को जाने के लिए अपने सन्मुख देखना पड़ेगा, ये न्याय नहीं चलेगा। अरे पर को जाने के लिए भी अपने सन्मुख देखना पड़ेगा, बहुत सुंदर है, विकार होगा तुम्हें, बहुत सुंदरता नहीं देख पाओगे तुम अगर अपना सुंदरता नहीं देखी। आपको सिलवाना बनना पड़ेगा बहुत सुंदर देखने के लिए, हैं? शिवाजी क्या बोले लौकिक में बता रहे हम आपको, क्या बोले? काश मेरी माता ऐसी सुंदर होती। अब बताओ वो सुंदरता देख रहे हैं और विकार नहीं हो रहा क्या? हाँ, सुंदरता देखना विकार का कारण नहीं है, अविकारी को न देखना विकार का कारण। कैसे देखा जाए? छत्तीसाल बोला वो स्त्री के अकेले मिलना, अकेले तुम जैसा पुत्र चाहिए, एक सेकंड नहीं लगाया सोचने, हम पुत्र हैं तुम माँ हो भाई, जीवन भर रिश्ता निभाते रहे। बोलो अकेले में, अकेले में, अकेले में का कहो? अकेले में अकेले कहूँ, क्षेत्र भी यहां नहीं हो, बताओ बोलो, 76 साल को वहां रोकने वाला कौन था? एक ज्ञान, एक सद्विचार, एक संयम की दृढ़ता, कौन रोकने वाला था? वो स्त्री जो स्वयं चाह रही थी, अरे धन्य है भरत महाराज, काय को धन्य, 96,000 रानियों के हृदय में जिसका निवास है, लेकिन जिसके हृदय में चैतन्य का निवास है, चिदानंद। तुमने मान्यता उल्टी बना ली है कि ये सुंदर है इसलिए विकार है, तुम्हारी मान्यता खोटी है, अविकारी की तुम्हारी वो दृष्टि नहीं है इसलिए विकार है, तुम्हारी लक्ष्य पर दृष्टि ही नहीं है इसलिए विकार है। वो नेपोलियन जिस समय पढ़ता था रहता था, अब वो स्त्री ने उसे खूब फंसाना चाहा, लेकिन वो नहीं फंसा। अब वो कहती रही बड़ा रूखा है, बड़ा ऐसा है, बड़ा जो कुछ भी कहना हो कहो। सम्राट बनने के बाद एक दिन उधर से निकला तो आया, क्यों यहां कोई नेपोलियन लड़का पढ़ता था? अरे वो तो बहुत वैसा था, काय को कोई सरसता नहीं उसके जीवन, अगर तुम्हारी राग रंग में फंस जाता तो आज सम्राट नहीं बना होता, इतना ऊंचा लक्ष्य रखो, पाई चौपट हो जाएगी तुम्हारी सब, अगर खुला पातन में पड़ गए तो। खुला पातों में पड़ जाओगे
तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगी। समाज को भी धोखा देगे, अपने को धोखा देगे, क्या करोगे? हमें क्या मालूम तुम क्या विचार कर रहे हो? हम कौन मन पड़े ज्ञानी है? तुम्हारी भावना हो सब तो मन पड़े ज्ञान सफल हो जाए भैया, और क्या करें हम? अब तुम्हारे मन में क्या है, हमें क्या मालूम? लेकिन अगर मन में पाप होगा तो उसका फल तो आएगा। हमें नहीं मालूम हो तो भी उसके फल से तो नहीं बच पाओगे, और नहीं मालूम ये कहने से काम तो चलेगा नहीं। जैसे आत्मा मालूम नहीं है, आत्मा मालूम है उसे क्या नहीं मालूम? फिर तुम अगर शास्त्र की बात झूठी क्यों करे? जानता आत्मा को, अनात्म को भी जानता, इसका मतलब है तुम गलत पढ़ रहे हो, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो। शब्द सही है, अभिप्राय सही नहीं। अभी अनंत बार विषय भोग के लिए हैं, आत्मा छोड़ बैठे, अब परमात्मा छोड़ बैठे, धर्म छोड़ बैठे। अब धर्म के लिए एक बार तो ये मौका आया, आराधना के लिए विषय भोग की वासना को छोड़ देना चाहिए। स्वप्न में भी विकार न हो, इतना अविकारी तत्व का बल है। समय हो गया, देखो दिवंगना हर सकी मन को न तेरे आश्चर्य नाथ, इसमें कुछ भी नहीं है। चित्रम के मात्र है, चित्रम के मात्र यति तसांग नाभेर नितम ना मनो न विकार मार्ग। ओहो, अब ये बात वैसे पढ़ लेते हो तुम, जब अक्टूबर पड़ी तब पढ़ लिया, और तुमने विचार क्या किया, उसमें से सार क्या निकाला? अरे भक्ति रूढ़ी की क्रिया नहीं है, काली मंद कथा नहीं है, भक्ति भगवान होने की पहली सीढ़ी है। भेद ज्ञान पूर्वक बरतने वाला निरंतर का बहुमान है। हल्की की मत समझना तुम, हल्के से मत लेना। हे भगवान, आपके भक्त को तीन लोक में विचरते हुए कौन रोक सकता है? संपूर्ण मंडल सांग कौन रोक सकता है? मन तीन लोक का ज्ञान उसको होगा, होगा होगा। तुम्हें चौथे गुण संगन में, लेकिन चौथे गुणस्थान में सामान्य रूप से होगा, कहीं सुख नहीं, बिना देखे नहीं कह रहा। कहीं सुख नहीं, देख लिया तुमने? हाँ, हमने सब देख लिया। तुम तो मद करते हो, हमने सब देखो है। लेकिन उन्होंने वास्तव में अपना सारा जगत देख लिया है। अपने को जिसने देखा उसने क्या नहीं देखा? प्रयोजन से धो गया उसका। शास्त्र में से वितरकता निकालना सीखो भाई, सिद्धांत का प्रयोग सीखो। प्रयोग बिना काम नहीं चलेगा आपका। चुटकुले याद कर लिए, ठीक है, बातें कर ली, बातों से काम नहीं चलेगा। काम की बात करो, नाम के लिए काम नहीं, काम के लिए काम करो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।